चांदपुर के ऊन मार्केट में एक व्यक्ति ने एक सुनार को ठग लिया। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता तब तक ठग दुकानदार को चूना लगाकर चंपत हो चुका था। दरअसल हुआ यूं कि चांदपुर के मार्केट में अमित ज्वेलर्स के यहाँ एक व्यक्ति आया और सोने के कुंडल दिखाने के लिए कहा, जिस पर दुकानदार ने कई तरह के कुंडल उसे दिखाए मगर वो पसंद न आने की बात कहकर और कुंडल दिखाने के लिए कहता रहा और फिर पसंद न आने की बात कहते हुए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद दुकानदार ने देखा कि उसके सोने के कुंडल बदलकर वो व्यक्ति तांबे के पॉलिश वाले कुंडल लग गया है, जिस पर दुकानदार के हाथ पांव फूल गए और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पीछा किया मगर तब तक वह ठग काफ़ी दूर निकल चुका था। दुकानदार ने बताया कि कुंडल की कीमत लगभग 15,500 रुपये थी। क्या हुआ क्या हुआ बता दे। कुंडल ले गए वो बी टाइप का। अच्छा, मतलब क्या कैसे आया, क्या हुआ? एक मुल्ला जाए थे, मैं कुंडल दिखा दो, लावे कुंडल दिखा दिए और मैं दूसरे डाल गए वाले, ये वाले रहते। अच्छा, कितने एक तक नुकसान हो गया? 15,000 रुपये। अच्छा, ये कितनी देर का किस्सा है? 2 बजे। ये अमित कुमार है, अमित ज्वेलर्स का स्वामी। इसके यहाँ करीबन 2 बजे जो है एक व्यक्ति आते हैं, कुंडल देखते हैं। उसके बाद जो है देखते जो है इसमें से एक ये तांबे के रखकर और सोने के ले जाते हैं, जिसमें 15,000 रुपये का मालिक को चूना लगा जाते हैं।